टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद भी खुश नहीं गावस्कर, उठाए बड़े सवाल। भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए टेस्ट के बाद वनडे सीरीज में भी जीत हासिल की। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को इस बात के लिए लताड़ा कि उसने भारतीय टीम के ऐतिहासिक सीरीज जीतने के बाद कोई नकद पुरस्कार की घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी उस राजस्व के हिस्सेदार हैं जिससे बनाने में मदद करते हैं। गावस्कर ने खिलाड़ियों को भी इसका हिस्सा दिए जाने की वकालत की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में उसको पहली बार द्विपक्षीय वनडे सीरीज में 2-1 से हराया। प्लेयर ऑफ द मैच युजवेंद्र चहल और प्लेयर ऑफ द सीरीज महेंद्र सिंह धोनी को मैच के बाद $500 से $500 दिए गए। खिलाड़ियों ने यह इनामी राशि दान में दे दी। चहल ने मेलबर्न वनडे में शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी स्पिनर का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। महेंद्र सिंह धोनी को सीरीज में उनकी 3 अर्धशतकीय पारी की वजह से सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया। टीम को पूर्व बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने महज विजेता ट्रॉफी प्रदान की। गावस्कर ने मेजबानों की आलोचना की कि उन्हें कोई नकद पुरस्कार नहीं दिया गया।